हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय डिजिटल। सो मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक रिव्यू को। सेल्फ यूनिक, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप सबको छोटी दिवाली और हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइस, आज का जो वीडियो है, उस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो अपने इनकम को, चाहे आप कॉलेज में हो या फिर आप जॉब में हो या फिर अभी आप जॉब सर्च कर रहे हो। ये थोड़ा सा उनके लिए है, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है वीडियो। रीज़न, अगर आप कंफर्टेबल कंडीशन में अपने लाइफ को सर्वाइव करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए नहीं यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हार्ड वर्किंग लगने वाली है। तो जो जैसे कि कोई है, अगर 10,000 की जॉब में हैप्पी है तो उसके लिए ये नहीं है भाई। ये उनके लिए है जो 10,000 के जॉब के बाद कम से कम 20 से 25,000 रुपये एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले, जो भी लोग अभी अपने बीम वाले कोर्स में अगर इंटरेस्टेड है और उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि कल दिवाली है। जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि दिवाली के दिन से इसकी फी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, तो जो अभी ले लेंगे उनका बेनिफिट हो जाएगा। चलिए जी, ग्रो करना है अपनी इनकम को। सबसे अच्छा माध्यम आज के टाइम में क्या है? ऑनलाइन। सबसे अच्छा माध्यम क्या है? ऑनलाइन। सबसे पहले डिस्कस करूंगा उन लोगों के लिए जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इनकम करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करूंगा उनके लिए जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इनकम करना चाहते हैं। अब बिना किसी, मतलब 1,000-2,000 तो लगा ही सकते हो ना गाइस। अब आपको करना क्या है कि अगर आपके पास कोई स्किल्स है, आप बोलोगे सर मुझे 3ds Max बहुत बेहतरीन आता है, डेफिनेटली, और नहीं भी आता है तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, क्योंकि मैं ट्रेनर हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि 20 डेज इज सफिशियंट टू स्केल योर नॉलेज इन 3ds Max। 20 दिन से 25 दिन के अंदर आप इतना अच्छा कर सकते हो कि 3ds Max में आप बेहतरीन हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मेरे सारे स्टूडेंट किए हुए हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, अभी लेटेस्ट बैच खत्म हुई है। गाइस, आप सबके पास कोई भी एक स्किल, मैंने 3ds Max एग्जाम्पल लिया, 3ds Max पे आपने काम किया, काम करने के बाद आपने जस्ट शेयर करना स्टार्ट किया उस काम को। कहाँ पे शेयर करना स्टार्ट किया? अपने फ्रेंड सर्किल्स में शेयर करना स्टार्ट किया। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं। आप एक फेसबुक पे पेज बना लिए, इंस्टाग्राम पे पेज बना लिए, ठीक है, एक शेयर किया, दो शेयर किया और तीसरा शेयर किया, चौथा शेयर किया, धीरे धीरे क्या हो गए, आपके ही फैमिली के फ्रेंड, फ्रेंड के फ्रेंड जुड़ते चले जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको भी अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उसके बाद उस पर फोटोज डालना स्टार्ट कर दीजिए आप, मॉडलिंग के केवल। ठीक है, बहुत बहुत आराम की चीज़ बता रहा हूँ आपको। इसके बाद अब क्या होगा कि वो नहीं देखेंगे तो उनके फ्रेंड देखेंगे, उनके फ्रेंड नहीं देखेंगे तो उनके फ्रेंड देखेंगे। इस तरह से टैग के माध्यम से, टैग करते हो ना आप लोग, टैग के माध्यम से आप अपने फोटोज को दूर दूर तक फैलाना स्टार्ट कर दीजिए। उसके कुछ दिन के बाद जब आपके लगे कि आपके पास 100-200-400 लोग आ गए हैं काम वाले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसी में ऊपर लिखिए कि इस तरह के मॉडल्स बनाने के लिए आप संपर्क करें। आगे आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो, क्योंकि अभी आप ग्रो कर रहे हो। मोबाइल नंबर दे दिया, मॉडल बनाने के लिए संपर्क करें। कई लोग कॉल करेंगे टाइम पास के लिए, कई लोग कॉल करेंगे भाई यार मेरा बना दो, कई लोग बोलेंगे फोकट का बना दो। चाहे फोकट वाले बोले चाहे टाइम पास वाले बोले, सबको बना के दो। क्यों? क्योंकि आपको तो भी बिजनेस ग्रो करना है भाई, एक महीने का तो समय लगेगा कम से कम, तो ग्रो करना है ना, तो मॉडल बना रहे हो, हो सकता है वो खुश हो के आपको 100-500-2,000 जो भी देंगे लेने दो। आप सिर्फ और सिर्फ नाम फैलाओ अपना कि मैंने काम किया और ये देखिए इनका एग्जाम्पल बन गया। आप फोटो तो ले ही सकते हो ना किसी का भी, और उसके बाद जब आपके पास कॉल आएगा तो आप उनसे डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो। 5 रुपये स्क्वायर फीट, 3 रुपये स्क्वायर फीट आराम से उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो जान चुके हैं कि आप लाइव प्रोजेक्ट किए हुए हो। ठीक है, आपको आराम से इनकम होना स्टार्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ 3ds Max। क्या था? कुछ नहीं था ना, एक 3ds Max 20 दिन का सॉफ्टवेयर था, 1,000-2,000 के आजकल सब लोग ऑनलाइन में सिखा दे रहे हैं, 3,000 जो भी सबकी फी अलग अलग है तो सब लोग सिखा दे रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए गाइस? 20 दिन का इन्वेस्टमेंट था लर्निंग में और 20 दिन का इन्वेस्टमेंट था मार्केटिंग में, लेकिन जिस लेवल का इन्वेस्टमेंट, जिस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए उसका ध्यान देना हाई लेवल का। चलिए, ये तो रहा रैबिट के 3ds Max के ऊपर। आप सेम टू सेम रैबिट के ऊपर भी काम कर सकते हैं, स्केचअप के ऊपर भी कर सकते हैं, ऑटो कैड पर सिर्फ प्लानिंग का भी कर सकते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ अपना ही विस्तार करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डिजाइनिंग्स। दूसरा जो ऑप्शन आपके लिए इन्वेस्टमेंट में हो सकता है, वो हो सकता है प्रॉपर्टी का।
अब बोलोगे सर ये हाँ ये उनके लिए है जो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बात कर सके लोगों से, क्योंकि इसमें क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होगा आपका, क्लाइंट के साथ ये इंटरेक्शन होगा। अब इसमें होता है क्या है कि इसमें हम लोग सेल करते हैं यूनिट्स, हम लोग क्या बोलते हैं रियल स्टेट में जब लोग कोई भी एक 2 BHK 3 BHK बोलते हैं तो हम उनको यूनिट बोलते हैं कि 1 यूनिट सेल किया, 2 यूनिट सेल किया, 3 यूनिट सेल किया। आपके आसपास सिर्फ ये देख लो, ठीक है, पेज तो आप बनाया ही हो, पहले आपको करना ही करना है आज के टाइम में। आपके आसपास देख लो कौन है जो सबसे भरोसेमंद बिल्डर है, ठीक है, भरोसेमंद, ठीक है, आप डायरेक्ट जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। हर एक बिल्डर का रूल होता है 1% 2% वो शेयर करते ही करते हैं, 100% उनका रूल है मार्केटिंग के लिए। वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसका 3D भी प्रोवाइड कर देंगे, वीडियो रहेगा तो वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे, आपको बता देंगे भाई यहाँ यहाँ अवेलेबल है, आपको चाहो तो आप सेल करो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनका सब कुछ लिया, फोटो लिया, वीडियो लिया, नक्शा लिया, मतलब नक्शा इन द सेंस की मैप लिया, वो सब लेके आए, और लेके आने के बाद अपने सोशल मीडियाज पे, सोशल मीडिया इन द सेंस फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, इन सब पे ज़्यादा काम तो नहीं आएगा। काम कहाँ आएगा वो बता रहा हूँ आपको, काम आएगा सबसे ज़्यादा आपको OLX पे, कहाँ पे आएगा OLX पे आता है, क्विकर पे आता है काम आपको, और इसके साथ साथ आपको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। क्या बोलते हैं OLX तो मतलब बेहतरीन है, इस पे ही आपका काम हो जाने वाला है, बट मैजिक ब्रिक को आप फॉलो कर सकते हो, मैजिक ब्रिक है, OLX है, ठीक है, और क्विकर है, इन 3-4 नेटवर्क्स पे अगर आप चाहोगे, किसी कोई स्पॉन्सर नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ जो यूजफुल है, ठीक है, इन पर जाना है, इन पर ऐड लगती है, इन पर एक ऐड लगाने का जो आपको खर्च आएगा लगभग 3 से 4 हज़ार का आएगा, कितने का आएगा 3 से 4 हज़ार रुपये का, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। बट ये पक्का मान लो कि अगर आपने 3 से 4 हज़ार रुपये की ऐड लगा दी तो आपको 20 से 25 लीड मिल जाएगी, 20 से 25 लीड मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपका जो बिजनेस माइंड है वो ग्रो अगर है तो आप 20-25 में से एक को तो आराम से इन्फ्लुएंस कर ही लोगे, ठीक है, ये उनके लिए मैंने पहले बता दिया जो लोग इनकम को करना चाहते हैं। पहला मेथड मैं बता दिया जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 3D हाउस बनाओ, अच्छा इनकम करोगे, उससे भी बेहतर इनकम के लिए थोड़ा सा तो बात करना पड़ेगा ना। आप 25 लोगों को कॉल कर सकते हो, 25 में से 15 लोग विजिट करने के लिए तैयार होंगे, 10 लोग विजिट करने के लिए आएंगे, 10 लोगों को विजिट कराओ उनको। नॉर्मल लोग विजिट कराएंगे तो क्या बोलते हैं वो टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल लोग जब विजिट करवाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये हॉल दे दिया है, इसके पीछे एक और हॉल है, मैं क्योंकि हम लोग तो गए हुए तो, और ये यहाँ पर ड्राइंग रूम है, आराम से आप बैठ सकते हो वगैरह वगैरह, ये सब आपको बताएंगे। आप उनको किस तरीके से बता सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि ये इस डायरेक्शन जो होता है ये बहुत ही यूजफुल है, आप उसी हिसाब से फ्लैट देखो जो आपको सेल करना है, जिसको सेल करने के लिए आप अच्छा एक्सप्लेन कर सको। सनलाइट आपके घर के अंदर आ रही है, आपके पास जो विंडोज है बहुत हैवी है, साथ ही साथ ये जो घर बनाया गया है ना, ये घर स्ट्रक्चरल पर्पज से ही बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टील यूज किया गया है ये HYSD 500 का स्टील यूज किया गया है। अब केवल टेक्निकल मत चपकाना, नहीं तो फिर क्या होगा, क्लाइंट बोलेगा यार ये तो टेक्निकल ही टेक्निकल, मेरे काम की चीज़ भी। तो उनको वास्तु से रिलेटेड चीज़ें बता सकते हो कि क्या बोलते हैं एंट्रेंस यहाँ पर है, किचन हमारे जो है किचन का जो डायरेक्शन होना चाहिए सर वही डायरेक्शन है, आप चाहे तो आप पता कर लीजिए इस डायरेक्शन में, एकदम उनको सही चीज़ दो, और ऐसा दो कि वो जब उनका इनोग्रेशन होना तो 4 लोग उनके पास आए, और 4 लोग जब आएंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो आपके पहचान में ही पूछेंगे ना कि भाई किसने दिलवाया था, तो आपको इतना तो रहेगा कि आपको बुला सकते हैं इनोग्रेशन में, तो आपका नाम वहाँ पर आने वाला है कि आपने दिलवाया, आपके पास अपनी विजिटिंग कार्ड होगा, डेफिनेटली बनवा ही लोगे। अब उस यूनिट को सेल करने पर आपको मिनिमम जो इनकम होगा वो 50,000 तो मतलब कहीं गया ही नहीं है, 1 लाख तक भी आपको हो सकता है अगर 2% तक शेयर कर रहे हैं तो, ठीक है, मैं 50,000 का एग्जांपल लेता हूँ, 50,000 रुपीस आपकी अर्निंग हुई और आपका जो मार्केटिंग था वो कितने का था, ओनली 5,000 का ऐड लगाना था आपको। अब आप बस ये कोशिश करना कि उनको जो चीज़ दिलाना वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपको खुद लेना पड़े तो आप खुशी होकर ले लें। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज़ दिलाओगे तो उनके घर पर जितने बार कोई आएगा वो यही बोलेंगे यार मेरा फ्रेंड है उसने मुझे दिलाया था, रुको मैं बात करा देता हूँ। अब आपको ऐड लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनके रेफरेंस से बहुत कनेक्शंस मिलेंगे, ये हमेशा होता है अच्छे काम के माउथ पब्लिसिटी। मेरे किसी भी वीडियो कोर्स का पूछ लो, मैंने कभी भी किसी को फ़ोन करके नहीं बोला कि भाई ये कोर्स ले लो वगैरह वगैरह, नहीं, जो फ्रेंड लेते हैं, जो मतलब स्टूडेंट्स मेरे लेते हैं वही एक दूसरे को रिफ़र करते हैं, लोग आते हैं, तो अच्छे काम की अपने आप माउथ पब्लिसिटी होती है और वहाँ से आपको क्लाइंट मिलना स्टार्ट। फिर से एक बार ऐड लगाओ, फिर से क्लाइंट आएंगे। अगर आपने 5-6 क्लाइंट्स को केवल अच्छा चीज़ दिला दिया, ऐसा चीज़ दिलाओ कि उनके बगल में हॉस्पिटल रहे, बगल में एयरपोर्ट हो सके तो रहे, रेलवे रहे बगल में, मतलब हर सुविधा दिलाओ जिससे कि वो लेने के बाद ऐसा ना महसूस करें कि हम ठग गए हैं,
क्योंकि ये रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा महसूस करें कि यार बहुत सही चीज़ मिल गया, और जितना आपका प्रेशर हो सकता है उस प्रेशर से पैसे भी उनका कम करा के दो, जिससे कि जब उनको पता चलेगा कि पड़ोसी 28 लाख में लिया है और तुमको मिल गया 26 लाख में, तो उसको थोड़ा सा प्राउड फील होगा, यार मेरे को तो 2 लाख रुपये की सेविंग करवाया बंदे ने। ये करवाने से आपको बहुत बेनिफिट होता है। इसका दूसरा एक लेवल और है, आपको चलो बता ही देता हूँ। दूसरा लेवल ये है कि क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि हमने यूनिट पक्का किया कि ये सेल करना है, दूसरे दिन आए तो उसकी बुकिंग हो चुकी है। आप क्या कर सकते हो, बिल्डर से थोड़ी सी पहचान बना के, बिल्डर इन द सेंस बहुत बड़े बिल्डर के पास नहीं, छोटे छोटे बिल्डर्स के पास चले जाओ, थोड़ी सी पहचान बना के उनको बोल दो कि ये 4 यूनिट मैं सेल करूंगा। उसके लिए वो लोग एग्रीमेंट करवाते हैं, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ये 4 यूनिट मैं सेल करवाऊंगा, तो वो 4 यूनिट वो लिख देंगे सोल्ड आउट, वो किसी को नहीं दिखाएंगे। उस 4 यूनिट को सिर्फ और सिर्फ आप दिखा सकते हो। इस पर मैंने सोचा हूँ कि एक कंप्लीट कोर्स वगैरह कुछ इसे बनाऊंगा, क्योंकि इसे ये भी बहुत बड़ा साइंस है। इसमें इतना अच्छा इनकम है कि इसका मतलब एक अलग लेवल है। अब आपको क्या हुआ कि इस अच्छे तरीके से आपने क्या कर लिया, 4 को बुक कर लिया। अब आप अपने क्लाइंट को भी बोल सकते हो कि भाई चले जाओ, वो वाला फ्लैट नंबर है, क्योंकि आपने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अब वो तो कोई देखेगा नहीं, अब आपको डील करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्लाइंट को भेज सकते हो। प्लस अगर जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान देना कि जब कभी भी क्लाइंट को विजिट कराओ, थोड़े से पैसे खर्च करो, उनको भी ब्रेकफास्ट या फिर डिनर का टाइम है, डिनर का टाइम, लंच का टाइम है तो लंच का टाइम, थोड़ा उनको भी लग्जरियस फील कराओ कि आप एक अच्छे आदमी से मिल रहे हो, भरोसेमंद आदमी से मिल रहे हो। तो ये बहुत अच्छा एक बिजनेस मॉडल हो सकता है जिससे आप इनकम को ग्रो कर सकते हैं। इसे वो लोग भी कर सकते हैं जो जॉब में है, वो लोग भी कर सकते हैं जो जॉब में नहीं है। जो जॉब में है वो कैसे करेंगे, उनको संडे संडे टाइम मिलेगा, ठीक है। जॉब में रहने वालों के साथ फ़ायदा क्या होता है कि वो एक ब्रांड के साथ जुड़े रहते हैं, तो लोगों का भरोसा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। डेफिनेटली उनको टाइम कम मिलता है बट भरोसा उनका ज़्यादा हो जाता है। जो जॉब में नहीं, उनके साथ क्या बेनिफिट होता है, वो हर टाइम पर दिखाने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो ज़्यादा क्लाइंट को विजिट करवा के ज़्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कम क्लाइंट को कन्वर्ट करा के भी अगर डेफिनेटली एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़े हैं तो इनकी सेलिंग ज़्यादा होगी। क्योंकि जब आप बोल रहे हैं कि हम सिविल इंजीनियरिंग के कंपनी में हैं और हम वही काम करते हैं, हम वही डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपका जो इन्फ्लुएंस होता है ये भी बढ़ जाता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह की इंडस्ट्री है, कैसे ग्रो कर सकते हो रियल इस्टेट के अंदर, और ये कैसे इंडस्ट्री थी डिज़ाइनिंग की जिसमें आप इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। ये 2 मॉडल्स थे, ठीक है। हमने जो मैंने जो अपने स्टार्टिंग दिनों में जो थोड़े बहुत इनकम सोर्स किए थे वो इसी वाले से किए थे। तो लेकिन ये इसमें होता क्या था, उस टाइम पर हमारा अप्रोच क्योंकि हमें इतना हाई लेवल का नहीं पता था कि हम 4 यूनिट को बुक करके रख सकते हैं 1,000,000 रुपये 2 लाख रुपये पे, थोड़ी इनकम होने के बाद ये कर सकते हो आप। लाख रुपये आपको देना है 4 फ्लैट का, उनको बुक करके रखो, किसी को नहीं दिखाएंगे, आप उनको सेल कर लो, नहीं होता है तो फिर वो अपना सेल कर ही लेंगे, तो आपका नुकसान भी कुछ नहीं होता है। और यह दूसरा है, ये बहुत सेफ है, ये तो अभी भी हम लोग करते हैं, डिज़ाइनिंग का, स्ट्रक्चर का, प्लानिंग का, इंटीरियर का, जो स्किल्स है आपके पास वो स्किल्स को आप अपग्रेड करिए, उनको सिर्फ और सिर्फ शेयर करना स्टार्ट करिए। और फेसबुक और इंस्टा पे छोटे छोटे ऐड भी 100-100 रुपये के लगाए जाते हैं, उनके माध्यम से आप अपने पूरे सिटी में अपनी रीच को भी इंक्रीज कर सकते हो, मतलब ज़्यादा लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुँचा सकते हो। होप आपको समझ में आया होगा। ये 2 मॉडल, डिज़ाइनिंग का ही बता दिया और ये भी बता दिया कि आप किस तरीके से पार्ट टाइम फुल टाइम एक बड़ा इनकम भी सोर्स इंक्रीज कर सकते हो। हो सकता है कुछ लोगों को लगा होगा सर ये तो कंटेंट स्टडी से रिलेटेड नहीं था। नहीं, अभी हम दिवाली के टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे चीज़ों पे आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ जिससे कि आप अपने इनकम सोर्स को बढ़ा सको और थोड़ी अच्छी सी इनकम अपने अंदर ऐड कर सको। कि मुझे पता है कि जॉब में कितना मिलता है गाइस। 5 साल जॉब किया था, 5 साल के जॉब में अगर सेविंग पूछूंगा तो मुझे अपने मतलब खुद को मिरर के सामने रखना अच्छा नहीं लगेगा। 5 साल की जॉब, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, बट सेविंग आप करके देखना, मुझे बताना, नहीं होती है। तो अगर कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा आप करते हो तो आप बहुत अच्छी अर्निंग करोगे, और ये सभी लोग कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी और जो जॉबलेस हैं या फिर जो जॉब में हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस इन्वेस्टमेंट वीडियो, और कोशिश करूंगा आगे भी आपके लिए कुछ इस तरीके से वीडियोस लेके आऊं जिसमें आपको नॉलेज पता चले कि भाई हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से अपनी छोटी दिवाली को सेलिब्रेट करिए।